गाइस कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैंने आप सबको ये बोला था कि मैं रेगुलर आप लोग के लिए पॉडकास्ट लाऊंगा, मींस एवरी संडे को आपके लिए पॉडकास्ट आएगा। और आज का जो पॉडकास्ट है काफी स्पेशल है, क्यों? क्योंकि जिनके साथ आपको कनेक्ट करने चल रहा हूँ ये हमारे गुरुकुल बैच के स्टूडेंट है। दूसरी चीज, अभी जस्ट ये करंट बैच से ये निकले हुए हैं। तीसरी चीज, आप देखो कि करंट में क्या इंटरव्यू पूछ रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या हम लोग गड़बड़ी करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मींस हम लोग खुल के पूरे हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बीआईएम मॉड्यूलर बनना चाहते हैं, बीआईएम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आज का पूरा पॉडकास्ट, यहाँ पर मैं पुष्पक राउत को लेके आया हूँ। ये हमारे गुरुकुल के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है और ये अभी करंट कंपनी स्पेस विजन में काम कर रहे हैं और काफी इफेक्टली काम कर रहे हैं और जस्ट ज्वाइन हुए हैं। तो मींस आप ये सीख सकते हो कि एंट्री कैसे करना है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीजों पे चलिए डिटेल में डिस्कस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को उतना ही ध्यान से सुनिए जितना हम लोग इसके पीछे एफर्ट लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने कनेक्ट किया, हमने कहा आज संडे का दिन है और आज के दिन ही कन्वर्सेशन करके आज के दिन ही आपको अपलोड करके दे रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले कि करंट मार्केट कहाँ पर ओपनिंग चल रही है, कैसे चल रही है, कैसे अप्लाई करना है, क्या पढ़ के जाना है, गुरुकुल बैच से क्या हो जाता है जिससे कि सिलेक्शन थोड़ा ईजी हो जाता है, क्या चीजें, सर सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पुष्पक तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब शुक्रिया। प्लेटफॉर्म पे। चलो पुष्पक ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले लोगों से बताना, तुमको तुम थोड़ा सा बताओ कि मेरे एकेडमी कहाँ से हुआ, मतलब तुम्हारा एकेडमी कहाँ से हुआ, उसके बाद तुमने डिग्री कहाँ से किया और फिर ट्रेनिंग कहाँ से, पूरी अपनी थोड़ी सी जर्नी शॉर्ट में एक्सप्लेन करो। सर, मेरा नाम पुष्पक राउत है और मैं अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र में जो नागपुर के पास है। यस और मैंने इंजीनियरिंग भी वहीं से किया है। मैं 22 का पास आउट हूँ, पीआर फोर्टे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ हूँ। और सिविल में मैंने इंजीनियरिंग किया है। तो और अभी उसके बाद मैंने आपके क्लास को ज्वाइन किया है, तो फिर इंटर्नशिप के लिए, मतलब बीम में जॉब चाहने के लिए। तो फिर वहां से ये जर्नी शुरू होती है बीम की, आपसे नाइस। सॉफ्टवेयर वगैरह सीखा। और बीच में मैंने उसके पीछे कभी कुछ मतलब सीखा नहीं, मतलब हाँ ऑटोकैड वगैरह कुछ नहीं, सब आपसे सीखा था, ओके, मतलब डायरेक्ट बीम गुरुकुल में सीखा है। गुरुकुल में ही सब कुछ सीखा हुआ है, ठीक है। ये जी मैं पुष्पक, जैसे कई लोगों के कन्वर्सेशन रहता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर अभी बीम में हमें सीखने चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए? सर, यूजुअली बीम मतलब जो रेविट, जो उसका बेस है वो रेविट ही है, मतलब रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर और एमएपी। सो सिविल वाले तो रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में काम करते हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है नेविस वर्क और ऑटोकैड तो बेसिक है ही, मतलब वो तो हाँ लगेगा ही, क्योंकि वो तो है रेविट आर्किटेक्चर, एक ऑटोकैड और एक नेविस वर्क और टेकला, उसके। हाँ, और ये जो टेकला जो है सर, वो मुझे लगता है फ्यूचर में मतलब बहुत बूमिंग है, क्योंकि उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। उसके हिसाब से लड़के को मैं मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है, इसलिए उसमें थोड़ा लड़के सीखने का मुश्किल जाता है। हाँ तो हाँ, उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। आप तो मतलब गुरुकुल में तो टेकला भी सिखाते हैं, तो एकदम हाँ ठीक है। बढ़िया है। तो पुष्पक ये बताओ कि जैसे कि हम लोग जब रैबिट सीखते हैं, ठीक है, तो जैसे जो रैबिट भाई मार्केट में भी लोग बहुत लोग सीखते हैं रैबिट को, तो ऑलरेडी आप में से कई लोग होंगे जो रैबिट सीखे होंगे, ठीक है। जी गुरुकुल में क्या अलग हम सीख पाते हैं जिससे हमें ये हेल्पफुल हो जाता है, जैसे कि मॉक इंटरव्यू, क्या क्या तुम रिकमेंड करोगे कि ये चीज़ थोड़ा अलग हो जाता है? जी सर, जो आप रेविट में लाइव प्रोजेक्ट देते हो, पहली बात तो जो मतलब आपके पास नए क्लाइंट आते रहते हैं, आप हमें प्रैक्टिस के लिए देते हो, और वो उसी दिन हमारा शाम को चेक भी हो जाता है क्या गलती हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेरा चेक होगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट का भी होता है, तो उनके गलतियों से भी हम सीखते हैं। तो वो मेरे को मतलब एक टाइम पे मतलब 5-6 लोगों का, मतलब 10-20 लोगों का पैकेज मिल जाता है, मतलब 10-20 गलतियों का मुझे एक साथ पैकेज मिल जाता है। तो फिर मतलब एक गलती से मैं मतलब एक दिन में 10-20 लोगों का जो गलती है वो सीख लेता हूँ मैं, वेरी तो गुड, वो बहुत बेनिफिशियल होता करेक्ट। है। हाँ जी और इसमें एक चीज और मुझे तुमसे मतलब ऐड करना है कि जो मॉक इंटरव्यू होता है उससे तुम्हें क्या बेनिफिट मिला? सर, मोस्टली मतलब बेनिफिट वो तो सर बेसिक है, क्योंकि मालूम है कि अपन कभी भी जाते हैं इंटरव्यू, अगर नया फ्रेशर है तो उसको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, और मॉक इंटरव्यू जब देते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब मैं भी बहुत डरता था जैसे इंटरव्यू, फिर मॉक इंटरव्यू जब आपने लिए तो मैं थोड़ा 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 ओपन अप हुआ, तो इंटरव्यू के जाते वक्त थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, मतलब मॉक इंटरव्यू का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ओवरऑल और वो टाइम बैठे। हाँ कम्युनिकेशन का क्या रोल रहता है? हाँ कम्युनिकेशन तो मतलब सर रहता ही है, किसी का थोड़ा कम आगे पीछे चलता है, लेकिन कम्युनिकेशन जब
जब मॉक इंटरव्यू में बहुत सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाता है, मतलब अच्छा ठीक है ये गलती हो गई है अगली बार, क्योंकि वो फ्रेंडली भी आप लेते हो तो फ्रेंडली भी मतलब सिखा भी देते हो कि ऐसे ऐसे नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है ये, तो कभी कभी हम फ्लो में आके बोल देते हैं कि, तो फिर तभी आप कभी करेक्ट कर दो या फिर अगले दिन करेक्ट कर देते हो कि ये नहीं बोलना है ये नहीं बोलना है इंटरव्यू में, ऐसा बोलना है ये। हाँ तो फिर करेक्ट। और क्या बोलते हैं, तो जैसे कि हम लोग जब व्यायाम का प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते होंगे जो बार बार इंटरव्यूअर पूछते होंगे, जो तुमने एक दो इंटरव्यू दिए होंगे, 3 इंटरव्यू, तो उसमें तुम्हें क्या क्वेश्चंस कॉमन लगे कि यार ये पूछते ही पूछते हैं सर, सबको ये जानना ही चाहिए, ऐसा क्या तुमको लगता है? हाँ सर, वो बेसिकली यूजुअली मतलब रिवेट के फॉर्मेट्स वगैरह पूछते हैं, और या फिर कुछ टर्म्स जो मतलब थोड़ी सी छिपी हुई टर्म्स है, जैसे कि स्कर्टिंग हो गए, मतलब वॉल्स के वो कैसे बनाएंगे, ये वो जो छोटी मोटी रहती है ये मतलब अंदर की पूछते हैं, जो बातें ज्यादा ज्यादा किसी लोगों को पता नहीं होती, आपसे फॉर्मेट्स पूछते हैं और मटेरियल्स के बारे में पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं। जैसे कि एलओडीज, हाँ एलओडीज, एलओडीज वगैरह भी पूछते हैं सर, एलओडीज तो आईएमपीए वो है। हाँ एलओडीज, 2D, 3D, 4D, 5D क्या होते हैं, हाँ टू, हाँ 70 तक वो पूछते हैं, मुझे लीड के बारे में पूछा था, मैंने पर्सनली इंट्रोडक्शन में पूछा था, तो मैंने उनको ग्रीन आर्किटेक्चर मतलब जो ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग्स रहती है, तो मैंने वो इंटरेस्ट में बताया था उनको, तो फिर उन्होंने बताया फिर उसके लिए क्या है, तो मैं बोला लीड है, और उसके फुल फॉर्म भी पूछा था फिर लीडरशिप इन इंजीनियरिंग, हाँ तो लीड, आपके गृहा, गृहा, हाँ IGBC, ठीक, हाँ IGRA हाँ है सर एक IGRA, और, आपके नोट्स में सब था वो नोट्स ही मैंने मतलब बाजू में मतलब ये करके रखा था, मतलब पुनः प्रिपेयर ही करके रखा था वो, क्योंकि मुझे पता था वो नोट्स जो है सर मतलब वो सॉर्टेड है सबसे बेस्ट, क्योंकि वो तो मेरे को अभी भी है मेरे पास वो। गैस गुरुकुल में एक ब्रह्मास्त्र मिलता है जिससे आप व्यायाम किसी भी इंटरव्यू को आराम से क्रैक कर सकते हो, बस ये इम्पोर्टेंट है कि उसको रटना, यहाँ पर ले आना हाँ पड़ेगा उसको, तो तुमने लाया उसका, बहुत बहुत बढ़िया। और जैसे कि तुम्हारा, तुमने फिर अपने लाइक अभी तुम शिफ्ट कवर लिया अमरावती से पुणे में, राइट? तो तुमने पुणे ही क्यों चूज किया, इसका क्या रीजन है? मीन्स कुछ इफेक्टिव रीजन्स था फिर पुणे ज्वाइन करने का कि पुणे की कंपनी में करूँ? हाँ सर, पुणे में क्योंकि महाराष्ट्र में बिलोंग करता था, तो फिर यहाँ पे और मेरे रिलेटिव्स भी थे, और मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ एक दो बार, फैमिली है तो फिर तुम्हारा। मेरे को इन्वायरमेंट से, हाँ और यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, और पुणे में अभी फिलहाल तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी पुणे में ही है, अट्रैक्शन तो अभी पुणे में ही है, तो IT इंडस्ट्री सब यहाँ पे ही है, फिर करेक्ट, या कुल मिला के पुणे में काफी ज्यादा अभी एक ओपनिंग्स भी ओपनिंग। हैं। और हाँ सर क्या बोलते हैं, अच्छा जैसे तुमने अभी लाइक कंपनी भी ज्वाइन किया है, तो अभी ज्वाइन करके बेसिकली अभी तुम्हें ट्रेनिंग्स दे रहे होंगे जहाँ तक है, अभी तो हाँ नॉर्मल सर, ट्रेनिंग चल रही होगी ना? नॉर्मल ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ नॉर्मल ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी बताओ कि अगर डेली कितने घंटे रैबिट पर प्रैक्टिस किया जाए, कि और कितने दिन में लगता है कि यार इतने दिन में आप सक्सेसफुल हो सकते हो कि आपकी जॉब लग ही जाएगी, क्या लगता है तुमको कि मैं जी बिल्कुल? सर, रेविट हम प्रैक्टिस करते हैं तो सर रोज कम से कम 2-3 घंटे, 3 घंटे मिनिमम देना ही चाहिए रेविट को, मतलब करेक्ट, एक्चुअली रेविट या फिर ऑटोकैड रेविट वो सब मतलब दोनों एक साथ उस पर देना चाहिए, वो तो वहाँ के बारीक बारीक चीजों को पढ़ना चाहिए, मतलब अगर वो हम थोड़े से डिटेल्स में करते हैं ना तो 3-4 महीने में क्रैक हो सकता है, पॉसिबली अच्छा 4 महीने तो क्रैक हो सकता है। बिल्कुल, 4 महीने में आराम से हो जाएगा। ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि कई बच्चे जो कॉलेज में होंगे, तुम्हारे भी कॉलेज में होंगे कुछ बच्चे, या फिर बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अभी 24 में पास आउट होंगे, 23 के कुछ कुछ पास आउट होंगे, तो वो उनका पहला जो तुम्हारे कैसे तुमको कैसे पता चला कि यार BI में करियर अच्छा बन सकता है, तो तुम्हारे अंदर ये अवेयरनेस कहाँ से आया? सर मैं तो पहले से ही मतलब क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ लड़के जो मतलब जो हवा आई थी अभी जो 29 कोविड-19 टाइम्स में सब IIT में गए थे, मेरे मतलब सिविल के जो 60 में से ऑलमोस्ट 40-45 बच्चे जो IIT में चले गए, कोई कोई अभी भी क्लास कर रहा है, तो लेकिन मुझे पहले से था कि सिविल में ही काम करना है, तो फिर उसमें अपॉइंटमेंट दिख रही थी यूट्यूब पे वीडियो, आपके मैंने वीडियोज पहले से बहुत देखे थे, तो फिर बीम में दिख रहा था मुझे, और कुछ कुछ बच्चे जो लड़के हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो वो बहुत टाइम चला जाता है उसमें, 2-2 साल, दो कम से कम 3 साल, दो फिर उसके बाद अगर नहीं होता है तो मुश्किल होता है, लेकिन मुझे बीम में अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि अभी तो ठीक है बीम थोड़ा सा इंडिया में अभी थोड़ा सा ग्रोइंग स्टेज में है, लेकिन मुझे लगता है 5-10 साल में ये जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट टाइम भी है एंट्री करने का बीम का। करेक्ट, बहुत जी ज़्यादा बढ़ जाएगा ये फ्यूचर में, हाँ सर, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये कि जो स्किल्स को एड्स ऑन करते रहेंगे
उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगा कि हाँ यार ये तो नया कुछ सीख रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और तुम्हारे जो फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो लाइक या फिर जो तुम्हारे कॉलेज के बच्चे हैं, उनको तुम क्या रिकमेंड करोगे कि भाई किस इंडस्ट्री में जाओ? तो मैं तो कहूंगा बीम में ही जाना चाहिए। अभी बीम? तो मैं हर किसी को भी मिलता हूँ ना, मतलब अगर मैकेनिकल दोस्त आया मेरा तो मैं उसको बताता हूँ, भाई तू आईटी क्यों क्यों कर रहा है, तू भाई मैप में काम कर, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी मैप का भी बहुत ओपन रहता है। तो मैं हर, क्योंकि फ्यूचर है सर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कभी रुकने होने वाला है, और इसमें जैसे हम टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एक्चुअली, जैसा इसमें भी बहुत अच्छा पैकेजेस है, पर ये भी डे बाय डे ग्रो हो रही है सर, मतलब हर दिन कोई नई चीज आ रही है, वो सीखना पड़ रहा है। हर कंपनी भी मालूम है कि मतलब फोकस कर रही है, ट्राई कर रही है, मतलब सीख कर रही है अपॉर्चुनिटी। अगर हमारी भी कंपनी है तो वो देख रही है कि क्या कुछ नया हो रहा है इंडस्ट्री में, अगर वो हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर अगर ग्रो होने वाला है तो उसमें भी वो सोचने की पैर रखते हैं, क्योंकि ये डे बाय डे ग्रो हो रही है इंडस्ट्री। तो मैं हर किसी को कहूंगा कि बीम में जाओ, या फिर अपने कोर्स से रिलेटेड हो, मोस्ट ऑफ चेंज करते हैं बहुत लोग। पुष्पक, थोड़ा सा ईयरफोन अगर रिमूव करके देखो कैसे आवाज़ आ रही है, थोड़ी और क्लियर आ रही है क्या? ओके देखो अगर बनता है तो सेटिंग करने की कोशिश करो। ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे लगता है कि बिना ईयरफोन के ज़्यादा क्लियर आएगी। अब आवाज़ देखो, अभी आ रहा है। अब ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ठीक है, ओके मुझे मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या हो रहा है ना कि वो थोड़ा सा ईयरफोन से क्या होता है, अगल बगल का आवाज़ भी पकड़ लेता है ना। ओके ओके इसीलिए देखो मैं अभी क्लास जब लेता हूँ तो मैं ये वाला माइक यूज करता हूँ। तो इसका रीजन क्या होता है, ये जस्ट फेस के बाहर होता है, ठीक है, हाँ मतलब ये रीड ही नहीं कर पाएगा अगल बगल का। बाकी जैसे और भी मेरे पास ईयरफोन वगैरह रखे हुए हैं, वो क्या करते हैं, अगल बगल का भी साउंड खींच लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन तो बहुत अच्छा है कि तुम अभी व्यायाम के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर लियो, डेफिनेटली ये अभी फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें इसी चीज़ को और डेवलप करना पड़ेगा। अब तुमको दिख रहा होगा कंपनी में कि हाँ यार ये भी चीज़ सीखना चाहिए हमें। ठीक है, इसे स्कैन टू बीम तुमको और डेवलप करना पड़ेगा, है ना? और तुम अभी क्या कुछ सीख रहे हो करंट में कि यार ये चीज़ सीखता हूँ और थोड़ा सा फायदा होगा, कुछ सीख रहे हो क्या अभी? सर, अभी तो मैं बस जो जो अपने बेसिक्स है वही क्लियर कर रहा हूँ, मतलब उस पर ही हैंड अच्छा और बिठा रहा हूँ, मतलब वो हेविट का 24 वर्जन आया है अभी, तो फिर उसके वो इंस्टॉल करके दिया है, तो फिर मैंने 20 20 में सीखा है रिवेट, तो फिर 24 में ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन बस उसको जो प्रोपो सर्फेस है वो हाँ, बस मैंने वो हैंड मतलब उस पर हाँ हैंड्स ऑन करने का प्रयास कर रहे हो उसको। बस। और बाकी अभी तो मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में क्या देखना है, देख रहे अच्छा डायनामो। अच्छा ये बताओ, जैसे तुमसे क्या प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे क्या इंटरव्यू में कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट इन कॉलेज, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, याद है? सर मुझे पर्टिकुलर नहीं पूछा गया था कॉलेज हाँ में प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन हाँ पूछते हैं मतलब पूछते हैं ना, कि ठीक है। हाँ अगर आपके तुम्हें याद है कि यहाँ पर अप्रोक्स क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ अगर तुम्हें याद है टेलीफोनिक क्या उसका मिला के, क्योंकि पूरा याद तो रहता नहीं है देखो, ठीक है, नहीं लेकिन मोटा मोटा अगर कुछ याद हो तो बताओगे, क्योंकि किसी मान लो किसी और का इंटरव्यू होता है तो उसको हेल्पफुल हो जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो जरूर पूछेंगे। तो जो जो तुमको लगता है कि यार ये मुझे याद आ रहा है कि पूछे थे, बताओ। हाँ सर, तो फिर वो यूजुअली क्या पूछते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपनीज फैमिलीज जो है फैमिलीज पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट कंपनीज फैमिली भी बनना चाहिए, क्योंकि पैरामेटिक तो वो फैमिलीज के बारे में पूछते हैं, मतलब हाँ हमें कई कई पे पता नहीं होता है नेस्टेड फैमिलीज क्या है, तो हाँ फिर वो जो छोटी छोटी मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, और मैंने थोड़ी देर पहले ही वो रिवाइज किया था, तो फिर कौन सा? नेस्टेड फैमिलीज व्हाट इज अपने अपने नेस्टेड, नोट्सबुक में है ना? हाँ सर अपने नोट्स में, और हाँ, वो हाँ सर वो शेयर्ड पैरामीटर्स शेयर्ड पैरामीटर। ये भी नोट्स में है अपने सर, ये भी हाँ पूछे थे मुझे, लेकिन वो पिछले इंटरव्यू में पूछा था और मैं रिमाइंड नहीं कर पाया, वो हाँ पिछले इंटरव्यू में पूछा था उसके गलत, पहले शेयर्ड पैरामीटर इंटरव्यू। पूछते हैं। हाँ और वो क्या याद आ रहा है? नेस्टेड शेयर्ड पैरामीटर्स होते हैं छोटे मोटे, हाँ और सर छोटी मोटी ऐसी चीजें जो अपने को वो नोट्स में है सर, अगर नोट्स हाँ को डिटेल में अगर पढ़ते हैं ना वो तो हाँ वो हो तो मतलब जाता है कैसे वो। होता है कि नोट्स कई लोगों के पास नहीं है, तो उसकी वजह से उनको अगर क्वेश्चंस मिल जाता है, इसलिए मैंने पूछा कि तुम्हें जो जो याद है, जैसे तुमने नेस्टेड फैमिली बता दिया, शेयर्ड पैरामीटर हाँ बता दिया, पैरामेट्रिक फैमिली, नॉन पैरामेट्रिक बता दिया। अब क्या हो गया, अब जी जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके ये होना चाहिए कि हम तैयारी कर लें, इस चीज़ को पढ़ के जाए, है ना? अब ये बताओ कि गुरुकुल में अगर कोई स्टूडेंट्स आता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, क्योंकि तुम गुरुकुल से ज़्यादा अटैच हो, काफ़ी दिन से अटैच हो, तो तुम्हें ज़्यादा पता है, तो तुम लोगों को बताओ, क्योंकि जो लोग नहीं जानते गुरुकुल बैच के बारे में, तो उनके लिए कुछ नया आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से उनको क्या, कैसे कैसे सर का स्पेशल क्या कुछ क्लास रहता है, क्या सीखने को मिलता है, जो तुम्हें गुरुकुल बारे में बोलता है तो बता दो। हाँ सर सर तो मैं भी आपसे YouTube के द्वारा ही जुड़ा था, तो आपके YouTube मोस्ट ऑफ YouTube से ही आएंगे, तो मैंने भी देखा था सर, तो फिर आपके व्यायाम के गुरुकुल के बारे में मुझे पता चला था, तो
सर गुरुकुल बैच में अपन जो मुझे पर्टिकुलरली पसंद आता है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहता है, क्योंकि मतलब आप रिकॉर्डेड लेसन पढ़ते हो और उससे प्रैक्टिस करते हो और उसी दिन आपको वो असाइनमेंट देते हैं, तो उसमें अगर कुछ गलतियां होती है आप सभी बता देते हो, वो मुझे बेनिफिशियल लगा बहुत अच्छा। और क्योंकि टाइम मतलब कहीं पे भी मैं, क्योंकि मैं तो मेरे सिटी में अमरावती में था तो मैं तब करता था, तो सब मुझे ये तो बहुत अच्छा। और ये जो आप सिखाते हो सब वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिखाते हो, मतलब रिवीट, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और उसमें एम टेकला, ए भी, नेविस्वर, नेविस्वर, टेकला मेन जो सॉफ्टवेयर एक टेकला है, नेविस वर्क। नेविस वर्क सर बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट सिखाते नहीं है, और वो हाँ मतलब वो बहुत अपॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, है, बहुत हाँ इम्पोर्टेंट इंक्रीडेंट है, नेविस वर्क है वो जो बीम सिस के है। और सर आपने स्कैंडो बीम का वो गेस्ट लेक्चर हाँ हमारे रखा, लिए था, वो तो बहुत बेनिफिशियल, क्योंकि स्कैंडो बीम जो है वो थोड़ी सी मुश्किल मतलब मैं नया है, और या फिर वो थोड़ा सा खतर मतलब सर अलग है, तो जो अलग है, स्कैंडो बीम तो उसके लिए आपने गेस्ट लेक्चर अरेंज किया अरेंज था किया था। हमारे, हाँ तो फिर वो बहुत बेनिफिशियल था सर हमारे लिए, कि उन्होंने करेक्ट लाइव पे भी हमें फाइल्स भी भेजी थी हमें करने करेक्ट, के लिए, कुल्ला वो अलग, कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ वो अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि और अगर अपन हाँ जब सीख रहे हैं और फिर भी अपन जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो हाँ फिर वो काम में आता है, क्योंकि उन्हें भी पता है हम फ्रेशर हैं, हमें भी हाँ पता है हम फ्रेशर हैं, लेकिन हमें अगर कुछ एक्सपीरियंस लोगों से अगर जो काम कर रहा है एक्चुअल में, हाँ जैसे हाँ आप रखे थे हमारे लिए, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस का हो जाता है सर, फिर करेक्ट। हम भी और ये पोर्टफोलियो का क्या रोल रहता है, तुम्हें क्या लगता है? सर। पोर्टफोलियो तो सबसे मेन है, मतलब वो तो मतलब अपना फेस है समझो, मतलब हाँ ये तो हम क्या है, हम नहीं कुछ है, हमारा पोर्टफोलियो बोलेगा जी, जो भी बोलेगा वो हमारा पोर्टफोलियो बोलेगा, करेक्ट, पोर्टफोलियो तो मेन है, वो तो बना उस पर तो ज्यादा मतलब टाइम निकालना पड़ेगा, वो उस पर डिटेलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, वो अगर अच्छा सही बात प्रेजेंट है। करेंगे तो फिर वो चांसेस बढ़ जाते हैं सर अपने पोर्टफोलियो। अच्छा तुमने वो पूरा एक प्रोजेक्ट जो अपन इंटर्नशिप में एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, तुमने किया था ना? हाँ सर, क्या था तुम्हारा प्रोजेक्ट? सर मैंने कमर्शियल बिल्डिंग बनाई थी कॉमर्शियल सर, बिल्डिंग बनाया था। अच्छा जो तुमने किया होगा, क्योंकि लगभग 20 दिन 25 दिन लगे होंगे जो अपन हाँ सर, ट्रेनिंग हाँ में किए थे, उस 25 दिन के प्रोजेक्ट को करने के बाद क्या तुम्हें लगा, क्या सीखने को मिला उस पूरे 25 दिन के प्रोजेक्ट को करने के बाद? हाँ सर, तो वो जो प्रोजेक्ट बताया था सर आपने, वो सब हाँ क्या बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के, मतलब जो रूल्स है अपने पर्टिकुलर एरियाज में वो बाईलॉज़, करने के लिए बोला था, बायलॉज, बायलॉज हाँ के हिसाब से, और बहुत सारे रूल्स होते हैं, अगर ये हाइट के ऊपर एक रेफ्यूजी अदर देना पड़ता है ये वो, तो वो हमें पहले स्टडी करना पड़ा मुझे, वो हाँ देखना पड़ा, वो बहुत सारे टर्म्स मालूम पड़े, हाँ तो फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करनी थी, तो जिससे मतलब वो रेविट पे तो हाथ साफ ही हो जाता है, क्योंकि आप रोज हमसे प्रैक्टिस करते हो डेली हाँ डेली, तो वो तो हाथ बैठ चुका है, वो मॉडलिंग अच्छी कर सकते हैं, लेकिन वो बाकी का रिसर्च उससे हाथ मतलब वो बहुत बहुत ज्यादा चीजें पता चल जाती है, तो करेक्ट, वो फिर हमने किया था। और फिर हाँ उस पर डिटेलिंग मतलब वो जो कलरिंग उसका हाँ रेंडरिंग, उसका प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन के लिए भी कॉन्फिडेंस लगता है, तो कॉन्फिडेंस वो लगता हमारे कम्युनिकेशन के बैच से और जो अपने मॉक इंटरव्यू लिए थे, है। तो वो क्योंकि वो प्रेजेंट भी करना था आपको, तो हाँ फिर उसके लिए वो पीपीटी बनाना था, तो फिर हाँ वो पीपीटी इमेजेस वो सब एडिट कर, मतलब वो ओवरऑल मतलब पैकेज ही मतलब लर्न हो जाता है, मतलब हाँ कुल कुल मिला के एक प्रोजेक्ट अगर हम पूरा स्टार्ट इन 25 दिन लगा के कर देते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही हाई हो जाता है। ठीक है जी कि भाई अब पीपीटी बनाने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बना चुके इतना बढ़िया। ठीक है, प्लानिंग करने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इतना रिसर्च करके प्लानिंग कर चुके। मॉडलिंग का हाँ कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मॉडलिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग का मॉडलिंग आसान तो है नहीं। फिर जी तुम्हें ये भी हो गया होगा कि प्रेजेंट कैसे करना है, ये भी स्किल डेवलप हो गई होगी, है ना? जी तो ये बहुत अच्छा है। तुम क्या बोलते हैं, तुमने एक्चुअली सही बताया। तो तुम काफ़ी, तुम्हारा सबसे अच्छी चीज़ पता क्या था जो मुझे अच्छा लगता है, कि तुमने कंसिस्टेंसी से किया था। ठीक है, जी तुमने मतलब मुझे जो याद है कि तुम्हारा 90% के ऊपर ही अटेंडेंस रहा होगा, हाँ कि सर, तुम पूरा रेगुलर अटेंड करते थे। और मुझे यही चीज़ तुम्हारा अच्छा लगता, बल्कि मैं बोला भी था कि एक दो बार अगर तुम्हें याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू लेने के बाद हमको आइडिया लग जाता था ना कि कौन कंसिस्टेंसी से कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और तुम उनमें से थे कि तुम रेगुलर कर रहे। जैसे कई लोग होते हैं ना, कैसे कि आज क्लास ले लिया, फिर उसके बाद 15 दिन बाद ले रहे हैं, ठीक है, अब वो पूरा चैन उनका खराब हो गया है ना, हाँ तो वो बहुत गड़बड़ है। और तुम्हारे अंदर जो ये कंसिस्टेंसी वाली आदत है, मैं तो यही बोलूंगा पुष्पक कि इसको ना रेगुलर रखो। रेगुलर कैसे रखना है, कोशिश करो कि हम रोज प्रैक्टिस करें कुछ ना कुछ। जैसे अभी ट्रेनिंग हो रही है, डेफिनेटली सीख ही रहे हो, है ना? तो उसके बाद हाँ फिर तुमने कोई भी चीज़ उठा लिया, तुम तो ऐसे इंसान हो कि तुम जिसके पीछे लग जाओगे हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आदत है ना कंसिस्टेंसी। तुम नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी करा देगी। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा तुमको कि तुम अगर मान लो कि फ्यूचर में तुम किसी और सॉफ्टवेयर में कोऑपरेट करना चाह रहे हो, थोड़ा
थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा वाली प्रैक्टिस मत छोड़ो, ठीक है। जी और आई जी थिंक जी गुरुकुल में ये चीज तुमने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि कंसिस्टेंसी कैसे सक्सेस दिला देती है, ठीक जी है, सर डेली प्रोजेक्ट करके, ठीक है। अब जो तुम्हारे नए लोग हैं, इन द सेंस कि जो अभी जस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, उनको तुम कोई मैसेज देना चाहोगे अपने तरीके से कि भाई वो कैसे, कि जैसे तुम कंफ्यूज रहे होगे उस समय पर, आईटी में जाऊं, साइट पर जाऊं, एस्टिमेशन में जाऊं, तो ऐसे बहुत से कंफ्यूजन तुम्हारे माइंड में रहा होगा, जो तुम्हारे न्यू अपकमिंग सिविल इंजीनियर्स हैं, उनको तुम क्या गाइड करना चाहोगे अपने हिसाब से, बताओ। सर अपकमिंग सिविल इंजीनियर को बताना चाहूंगा कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। अगर बीम में ही आपको ऐसा करना है, ऐसा भी नहीं कहूंगा। मतलब आपको लेटेस्ट तो अभी बीम ही है, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन मैं उनको एक्सप्लोर करने को बोलूंगा कि एक्सप्लोर करो, आप देखो क्या है, अगर बीम में भी क्या लेटेस्ट चल रहा है, जो हाँ बीम में भी क्या चल रहा है, तो फिर आप उसमें देखो। क्योंकि अभी 2D का जमाना तो गया, 2D में अगर आप अभी भी काम करोगे तो फ्यूचर नहीं है। करेक्ट, फिर 2D एक्सेल ये वो अभी नहीं, क्योंकि फ्यूचर मतलब 3D में है, मॉडलिंग में है। जो अगर आपको टेक्निकल्स में जाना है तो आप रेविट आर्किटेक्चर वगैरह सॉफ्टवेयर में जाओ। आपको या फिर विजुअलाइजेशन में जाना है तो आप रेविट, रेविट से ही अच्छा मतलब होता है, क्योंकि वो तो बेसिक लगता ही है। 3ds करेक्ट Max अगर उसमें आपको जाना है तो करेक्ट, उसमें है। आप एक्सप्लोर करो, स्ट्रक्चर्स में जाना है, स्ट्रक्चर्स का भी आपकी बैच हाँ एज पर इंटरेस्ट ना, है। हाँ, आपके इंटरेस्ट अगर किस तरफ जा रहा है वहां पे हाँ आप क्योंकि, पर्टिकुलर और ट्रायल। डिस्ट्रैक्शन भी होता होगा, लोग बहुत ज्यादा जब किसी चीज, मतलब कैसे होता है कि लोग आजकल ज्यादातर टाइम कहाँ बिता रहे हैं, देख ही रहे होंगे रील्स पे, ठीक है, इन सब चीजों पे। आई थिंक जो उतना टाइम वो वहाँ डालते हैं, वही टाइम अगर ट्रेनिंग पे डालते हैं, तो ट्रेनिंग इन द सेंस कि इट्स नॉट अबाउट कि आप गुरुकुल की ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग इन द सेंस कि आप डेली सीख रहे हो। ट्रेनिंग का मतलब होता क्या है भाई, मैं जिम जा रहा हूँ बिना गाइड के जा रहा हूँ, बट जा तो रहा हूँ ना रोज जिम, ये भी तो अच्छा है उनसे जो घर में बैठ के सो रहे हैं। हाँ सर तुम बोलोगे सर मुझे आप टारगेट कर रहे, नहीं नहीं मैं भी नहीं जाता हूँ जिम। जिम एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, इंसान अगर आज के टाइम के हिसाब से स्वस्थ रहना चाहता है तो एक पैरामीटर है कि भाई जिम जाइए, ना कि वो सप्लीमेंट वगैरह, सप्लीमेंट जानते हो नहीं, हाँ सर जानते हैं ठीक है, तो सर, मैं वो। मतलब पहले भी जाता था, अच्छा अभी पुणे में आया तब सब बंद हो गया मेरा, क्योंकि अच्छा अभी मेरे, मुझे भी एक्चुअली अभी डॉक्टर ने मना किया हुआ तो मैं भी नहीं जाता हूँ, बट हाँ क्या बोलते हैं, लोगों को कुल मिला के ये करना चाहता हूँ कि डेली कंसिस्टेंसी से जिम करते हैं तो आउटपुट में सिक्स पैक निकल के आता है। डेली कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हारे जैसे सक्सेसफुल व्यायाम इंजीनियर बन जाएंगे, डेली कंसिस्टेंसी जो भी करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो थैंक यू पुष्पक, तुमने समय दिया, सबसे अच्छी बात ये। दूसरी चीज़ ये कि क्या बोलते हैं, तुमने ये भी बताया कि भाई गुरुकुल में आप कैसे सीख सकते हो, ना केवल गुरुकुल में, आपको खुद भी सीखना है तो तुमने तीन चार क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे बता ही दिए लोगों को, दे नीड टू बी जी प्रैक्टिस फॉर देट। अच्छा ये बताओ तुम अप्लाई कैसे करते थे, क्योंकि कई लोग अप्लाई करने के लिए कंफ्यूज रहते हैं। हाँ सर सर हाँ, मैं एक पॉइंट सोच के आया था, मुझे हाँ हाँ बताना बिल्कुल 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 था। तो मुझे लगता है अपने को अप्लाई तो बस वो, मतलब वो जो एक क्लिक में जो अप्लाई है वो तो कुछ काम, कभी भी काम नहीं है, कुछ क्योंकि नहीं। हमने तो 200 400 कितने किए होंगे अप्लाई, उससे हाँ तो कभी रिप्लाई नहीं आया। लेकिन जब पर्सनली करते हैं, मतलब अगर उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी आप एक बार अप्लाई करते हो, हाँ वहां से एचआर पे मेल पे करते हो, अगर वहां से करते हो तो फिर आपको बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये पर्टिकुलरली मैंने, मुझे जो कॉल सामने से आया था, क्योंकि मैंने एचआर को पर्सनली मैसेज किया था, क्योंकि वहां पे ओपनिंग थी, तो हाँ आप उस कंपनी में जाइए, उस कंपनी के पीपल्स में जाइए, वहां के एचआर को ढूंढिए, थोड़ा सा रिसर्च हाँ करना पड़ेगा आपको। हाँ एचआर को पर्सनली मैसेज कीजिए, फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप पर्सनली इंटेक्ट करते हो तो फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। मुझे तो सामने से कॉल आया था, मैंने एचआर से किया था, तो फिर वहां पे ओपनिंग थी, तो फिर उनको एक्सपीरियंस वाला चाहिए था, मतलब 2 4 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस। फिर जब वहां पे ओपनिंग हुई, मतलब इंटर्न के लिए, तो उनका सामने से मुझे कॉल आया, तो फिर वो ऐसा काम कर जाता है। अच्छा, मतलब कि कई लोग क्या होते हैं ना, कई लोग डेली गए Naukri.com पे, अप्लाई 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 अप्लाई, और मुझे बोलेंगे सर 100 की 100 कंपनी में अप्लाई कर दिया, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आ रही। तो भाई सही जगह पर सही कंटेंट जाना चाहिए ना। जी सर, मैंने भी आपको यही मतलब हाँ बताया था कि मेरा हो नहीं रहा है, क्या करूँ सर। हाँ तो फिर आपने बताया नहीं, मतलब आप हमेशा ही बताते थे, हाँ लेकिन वो रोज रोज, मतलब वो, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, मतलब ये जो है ना अपना 70% तो ठीक है, स्किल्स 70 80% हाँ अपने स्किल्स का, लेकिन ये 20% भी बहुत ज्यादा मैटर और करते मुझे हैं। लगता चाहिए है 1 महीना कम से कम चाहिए, सर, मिनिमम 1 महीना चाहिए, क्योंकि 1 महीना चाहिए। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, हाँ मतलब फ्रस्ट्रेट हो सकता है अगर कोई बस। हाँ हाँ और जी लोग क्या करते हैं, लोग ना मतलब कैसे होता है, अभी अभी जैसे तुमने बता दिया कि अप्लाई 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 से काम नहीं होगा,
अब लोगों को यहाँ से लर्निंग ले लेना चाहिए, भैया इसमें समय क्यों बर्बाद करना, ठीक है तुमने बता दिया ना कि ये चीज क्या बोलते हैं नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, अप्लाई कर रहे हो बट वो कहाँ जा रहा है, थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, ठीक है जैसे कि हाँ Naukri.com के पास जा रहा है। अब वो भेजेगा तब तो जाएगी ना कंपनी में सीवी, हाँ हम सोच रहे हैं हमारी सीवी चली गई है, सीवी थोड़ी गई है, सीवी तो आप थर्ड पार्टी अपना जॉब से जो भी आजकल आए हुए हैं शेयर लिंक पता नहीं क्या क्या इंडिया जॉब्स तो वर्क इंडिया, इनके पास सीवी जा रही है ना कि कंपनी के पास जा रही है। तुमने क्या अच्छा किया, तुम एचआर का ईमेल आईडी सर्च किए, हाँ डायरेक्ट खाना वहां पहुंचा दिए जिसको एक्चुअली में भूख लगी हुई थी। जहाँ जहाँ पे जाना चाहिए था वहां पे पहुंच गए, तो हाँ फिर कंपनी की वेबसाइट पे पर्सनली विजिट करो, वहां पे अगर कुछ मेल मिलते हैं उनके कंपनी के तो करेक्ट उस पर मेल करो, करेक्ट तो फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। करेक्ट। मुझे भी कैसे रिसेंटली मुझे याद आया कि एग्जांपल कि किसी ने मुझे बोला कि आप इस संस्था को डोनेट कर दीजिए, हम लोग ये काम करते हैं, गरीबों को ऐसे ऐसे ये चीजें देते हैं। मैं कहा भाई मैं वैसे मैं डोनेट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जो तुमको डोनेट करूंगा ठीक है, ये क्या हो गया, मैं तुम्हारे को दिया इसके जगह पे मैं खुद खरीद के जाऊंगा, जाके सबको सर्व कर दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो ठीक जी जी बिल्कुल सर, मतलब आपके आपके घर के पास अगर है तो फिर वहां पे जाइए ना हर जगह आप। आज के टाइम में लगभग हर जगह ऐसे लोग हैं जिनको नीड है। हाँ सर, हर जगह। और तुमने अगर इस चीज को कभी ऑब्जर्व करना, जब तुम इस तरह की कोई हेल्प अगर तुम डायरेक्ट वे में करते हो तो तुम्हें एक अलग सुकून मिलता है एज कम्पेयर टू फोटो सेशन, कितना का डोनेशन दिया फेसबुक पर डालने के लिए और क्या बोलते हैं ड्रामाबाजी जो होती है वो करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम डायरेक्ट हेल्प कर दे। तुमने क्या किया, डायरेक्ट रिज्यूम को टारगेट किया कि भाई कंपनी पे जाना चाहिए, ठीक है। हाँ तो इसलिए सभी लोग दान दीजिए तो जो कहाँ दीजिए, दान अपने रिज्यूम को। हाँ अगर रिज्यूम अगर Naukri.com अगर करते हो, कुछ फेक कॉल भी तो आते होंगे, उसके बारे में बताओ ना थोड़ा, आए थे क्या? हाँ कॉल्स भी आते हैं वो जो है ना, मतलब वो 10,000 में देंगे या फिर 7,000 देंगे, घर से काम करना, लैपटॉप भी अपना ही यूज करो, ये वो ऐसे आते हैं, लेकिन क्या है इनको बस इग्नोर करना चाहिए। आपने हाँ कुछ बता, आप हमें हमेशा बताते ये कंपनी, मैंने लिख के भी लगा था इस बुक में था, हाँ मतलब वो कुछ भी एक कंपनी थी उस पे मत हाँ अप्लाई कीजिए, वो परेशान करते हैं ये हाँ वो, हाँ तो ऐसा ये आपकी जो गाइडेंस है हमेशा काम आती है, मतलब करेक्ट आपसे हम कांटेक्ट में रहते थे, बैच हाँ खत्म होने तक तब भी कांटेक्ट, उसके बाद भी कांटेक्ट मैं कांटेक्ट में था, जब इंटरव्यू था वो तो मैं आपको पर्सनली कॉल करता था, हाँ तो वो बहुत बेनिफिट रहता था मेरे से, मेरे लिए मतलब करेक्ट। पर्सनली अगर नहीं वो लगता इंटरव्यू है के स्टार्टिंग में ना, हमें पर्सनल मेंटरशिप लगता ही लगता है, सही है सर, मेंटल ठीक है। अगर सिवाय नहीं हो सकता, मतलब हाँ पॉसिबल। एक्चुअली कैसा होता है ना कि जैसे मान लो कि अभी हम लोग जैसे जिम की बात कर रहे थे, अब सही तरीके बताएं तो हम लोग अगर सही तरीके से आप खुद से जाके जिम करने लगेंगे ना, उतना आउटपुट नहीं निकल पाएगा एज कम्पेयर टू जिसने उस काम को किया हो, अगर वो प्रॉपर गाइड कर दे तो ईजी हो जाएगा, है ना। जैसे कि वो मैथमेटिक्स में हम लोग जैसे खुद से अगर M1 M2 याद हो तुमको कॉलेज जब खोलते थे तो खुद से खोलते थे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब टीचर एक एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं तो फिर ऑटोमेटिक लगने लगता है अच्छा ऐसे है वाला, चलो ठीक है वैल्यू चेंज कर लेते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ जैसे एकेडमिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें क्या लगती है कि जैसे कि कॉलेज में डेफिनेटली स्किल्स तो मतलब बहुत कम मात्रा में सिखाते हैं, फिर बोलो ना के बराबर, है ना। अब पता नहीं तुम्हारा कॉलेज कैसे था, तो कॉलेज के बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उनको जो कॉलेज में उनको तुम क्या रिकमेंड करना चाहोगे, उनको क्या करना सब चाहिए? वही जो अभी एक्सप्लोर करना है आपको, सबसे हाँ पहले एक्सप्लोर करना है क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री करेक्ट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत अपॉर्चुनिटी है सर, क्योंकि बीम में बहुत सारे काम मिलते हैं सर, बहुत बाहर, और सब जो काम होते हैं ना बीम का, मतलब साइट इंजीनियर से बहुत अच्छा काम है, क्योंकि सैटरडे और संडे आपको छुट्टी मिलती है, तो फिर आपको बस एक्सप्लोर करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, जैसे कि वेलिस अभी सबसे ज्यादा तो ऑटोडेस्क के ही जो सॉफ्टवेयर है वही सबसे ट्रेंड ही है, मतलब वेलिस तो मतलब बीम का जो बेसिक है तो वो तो हाँ रेवी ही है, वो तो हाँ सबसे, और इस पे काम बहुत ज्यादा मिलते हैं सर, मतलब ये करेक्ट जो काम करते हैं, तो फिर जॉब्स भी बहुत है, हाँ लेकिन वो जरा मतलब प्रॉपर स्किल्स चाहिए, क्योंकि अभी हाँ मैंने भी ज्वाइन किया हूँ, तो फिर हमें भी हाँ वो थोड़ा सा वो बेसिक देख रहे कि क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है, वो सब हाँ प्रैक्टिस। लेकिन ये जरूर होगा कि कंपेयर टू अदर्स तुम अलग दिखते होगे, जी सर, वो क्योंकि तो हम बहुत ज्यादा इतना तो होगा, डिफरेंट, ठीक और है। सर वो आपका जो बाकी का जो भी कंटेंट है ना हाँ उसमें वो ज्यादा पसंद आता है मुझे, क्योंकि जैसा कि आप बेसिक्स वास्तुशास्त्र भी सिखाते हाँ हैं उसमें, आप उसमें बिल्डिंग बाय लॉस सिखाते हैं, रेरा के बारे में बताते हैं, हाँ फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग के बारे में बताते हैं, तो बिजनेस अगर कुछ करना है आप स्टार्ट, तो उसके बारे में पूरा मेंटरशिप गाइड करते हैं, और मुझे पूरा होप है, मतलब पूरा पता है कि अगर मैं आपको फ्यूचर में भी कॉल करूंगा सर यहाँ है दिक्कत आ रही है क्या करूँ, तो आप देखो बिल्कुल देखो हाँ कई बार तुम लोगों ने किया भी है ऑलरेडी, करते ही हो जी तो सर, मैं मतलब इंटरव्यू करते था। हाँ
ठीक है, जैसे अभी कैसे होता है कि डायरेक्ट कॉल कभी कभी जैसे तुम जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, समय ले लेते हैं तो थोड़ा सा हाँ अच्छा हो जाता है एज कम्पेयर टू मान लो क्लास में, जब तुम देखा होगा मैं क्लास में कभी फोन उठाता नहीं हूँ। मैं ठीक है, यूजुअली सर से कांटेक्ट करता था, अभी हाँ तो हाँ आप फिर मैं तो वही जी मतलब जैसे कि कोई अगर क्लास के टाइम पे करेगा तो वो कैसे होगा कि क्लास डिस्टर्ब होगा ना। ठीक है, अगर हमारे भरोसे कोई आया हुआ है और ठीक है, अब पता चला हाँ सर से कांटेक्ट करता था, फिर वो हाँ आपको हाँ टाइम बता आपका देते थे। टाइम हाँ होता था, मैं उस टाइम भी कॉल करता था। मैं खुद ही बैक कॉल कर लेता हूँ जब कोई हाँ रहता है वो ना। आप कभी भाई हाँ सर, क्योंकि ये जो है वो मेंटोरशिप तो लगती है, क्योंकि लगती आपने है, ये बेनिफिट लगता है मुझे, क्योंकि आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि आप खुद ही मतलब पूरा मतलब हाँ सब संभालते हो, हाँ तो फिर आप तो आपके पर्सनल मतलब हमारे स्टूडेंट से पर्सनल रिलेशन है अभी, मतलब करेक्ट आपको बताया था ये अच्छा ये तो मौसी के घर पे रह रहा है, या फिर सर आपको मतलब अपने अरे कैसे चल रहा है ये सब, तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अगर ये पर्सनली अगर अटैचमेंट रहा ना, तो फिर वो हाँ स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में वो अलग लेवल का मतलब देखो हेल्प भी बॉन्ड, अलग लेवल देखो बॉन्ड बना के चलना बहुत जरूरी होता है। अगर की होती हमको मतलब कि फ्यूज, देखो सीधी सीधी बात है कि अगर मेरे को तुम्हें कुछ समझाना है, मैं तुम्हारी स्थिति को नहीं समझ रहा हूँ तो मैं तुमको सही तरीके से नहीं समझा पाऊंगा ना। है। नहीं। ठीक है, तो मुझे ना कैसे होता है, जैसे मैं तुमसे पूछता भी हूँ, सबसे ही पूछता हूँ कि क्या कहाँ रहते हो। ठीक है, अच्छा वहाँ रहते हो तो फिर तुम्हारा जॉब कहाँ प्रीफर करोगे, क्यों मेरा तुमसे कनेक्शन होना जरूरी है ना, जिससे कि तुम मेरी बात को समझ पाओ ना। जी ठीक है, अगर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि अभी खास तौर से अभी जो मार्केट में ट्रेंड है कि जस्ट हम आए और बैठे, उसके बाद लेक्चर लिए चले गए, तो वो लेक्चर सिर्फ हवा में है और वो हाँ स्टूडेंट भी हवा में है, कनेक्शन नहीं नहीं बना उनका। ठीक है, सर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पता चले किसी को केला खाने का मन है, तुम सेब खिलाए पड़े हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको केला खाने का मन है, हो सकता है सेब उसको ना पसंद हो, तो कन्वर्सेशन। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत अच्छी बात तुम्हारे तुम्हारे अंदर है और लगभग सबके पास होना चाहिए ये चीज़ कि हमें अपने से सीनियर्स से कुछ ना कुछ उनकी जो एक्सपीरियंस है ना उसको सीख लेना चाहिए। ये जी पॉडकास्ट मेरा करने का उद्देश्य बस इतना सा था कि पॉडकास्ट की कोई खास जरूरत नहीं थी, बस जरूरत ये है कि तुम यूथ हो अभी, तुम्हारे जैसे कई लोगों को ऐसे प्रॉब्लम आती होंगी ना बहुत सी चीज़ें कि यार मैं किधर करियर बनाऊँ, तुमने बोला ना एक्सप्लोर करो। हाँ अब ये जी वर्ड भी अगर उन्होंने पॉइंट आउट कर लिया कि हाँ यार एक्सप्लोर करने के लिए पुष्पक भाई ने बोला है, चलो एक्सप्लोर हाँ करते हैं, है ना, तो एटलीस्ट एक्सप्लोर करेंगे तो 10 नई चीज तो जानेंगे। कॉलेज में अभी तुम लोग, कॉलेज तुम लोग तो काफी एडवांस हो, हम लोग के कॉलेज में एक्सप्लोर कर इंटरनेट था ही नहीं, वो इंटरनेट नहीं तो था अपने बजट के बाहर था। ठीक है, 200 रुपए का 1 GB बजट मिलता था और भी 2G ऐसे ऐसे घूमने वाला, तो हमें साइट इंजीनियरिंग के अलावा कोई दूसरी प्रोफाइल के बारे में पता ही नहीं था। जी ठीक है, दूसरा पता था गवर्नमेंट में SSC JEE होता है और हाँ एक RRB भी नहीं पता था, RRB शायद तब आया नहीं था, तो SSC JEE होता है और AE होता है असिस्टेंट इंजीनियर की, और एक पता था कि गेट निकाल लो सब कुछ हो जाएगा, बट क्या बोलते हैं जरूरी तो नहीं कि हमारा SSC JEE में ही सबका हो जाए। ठीक है, और नहीं इसमें स्वाभाविक सी बात है कि आज के टाइम में अभी मैंने देख रहा था JD का एग्जाम हुआ महाराष्ट्र में, है ना, हाँ सर तो आप देखा तुमने JD में कितना भीड़ हुई थी, सर कितना और कितने सारे मतलब चीटिंग्स भी कितने पकड़े गए, कितनी कितने चीटिंग्स सारे पकड़ेगा, जी और उसके बाद भी जो सक्सेस रेशियो है वो 1% भी नहीं है, सर 0.001% शायद हो। उसके ठीक है, लिए अपने 60-70% बच्चे जो ब्रांच के हैं वो हाँ उसमें टाइम लगते हैं, फिर उसमें, आपको सबको पता होना चाहिए, हाँ लेकिन तो उसमें सक्सेस रेशियो निकालना पड़ेगा ना। सक्सेस रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो मैं बोलता हूँ तुम्हें निकालना ही है, तुम एक बार जाके सॉल्व पेपर उठाओ और देख लो अपनी औकात को। हाँ ठीक है, कोई अगर आइडिया लगे, आपको अगर लगता है खुद ही कि मैं 0.1% में हूँ अगर, ठीक हाँ है फिर मैं चांस लूंगा, चांस लेकिन अगर लूंगा, आपको नहीं लगता है, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है ना कि वो ये ड्रीम लाइफ स्टाइल वही है गवर्नमेंट जॉब, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मुझे नहीं तो है। पर्सनली मैं तो पर्सनली मुझे पहले से ऐसे ही लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ हाँ नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब ये ड्रीम लाइफ सकते, क्योंकि यस अगर हम इंडस्ट्री में काम करते हैं सर, तो हम बहुत अच्छे लोगों से मिलते हैं, बहुत बाहर कंट्रीज के लोगों से बात करते हैं करेक्ट, लेटेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो एक कदम थोड़ा सा पीछे रहता है इस बारे में, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के अच्छी बारे में, तो एक्सप्लोर सही फिर बात है। जी, तो हम प्राइवेट इंडस्ट्री में हम लेटेस्ट जो अपग्रेडेड है हाँ और हम सीखते रहते हैं नया कुछ हर बार, सीखते रहते हैं, और फिर दूसरी चीज क्या होता है कि वहां पर भी तो एक फिक्स सैलरी है, ठीक हाँ है, और यहाँ क्या है फिक्स कुछ नहीं है, जी बढ़ाते जाओ खुद को। तो जिसके अंदर अंदर से काम करने की चाहत है, तुमको मैं खुद ही क्लास में बताया हूँ कि मैंने आज तक कभी गवर्नमेंट जॉब को कोई एग्जाम ही नहीं दिया। ठीक है, रीजन मैंने कहा उधर मैं मुंह ही नहीं मोड़ना ना जिधर जाना नहीं है। हाँ ठीक है, अगर ये हम ले भी लिए और सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या ही करेंगे।
ठीक है। तो पैसे कमाने का जो सोर्स के बारे में लोग सोचते हैं, सबसे बेटर ये है कि पैसे कमाने के लिए देखो लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, और पैसा तो वहीं से आता है ना, लेटेस्ट ट्रेंड से। लेटेस्ट से जैसे उन्होंने बताया BIM लेटेस्ट ट्रेंड है डेफिनेटली। अभी आने वाले टाइम में प्रीकास्ट इंडस्ट्री बहुत तेज बूम करेगी, लोगों पास समय कम हो गया है ना, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है 40-50 साल में लोग मर जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको 25 साल में उनको जॉब लग रही है, तो उनको भी लगेगा ना जल्दी से हम घर खरीदे, जल्दी से रहे, ठीक है। तो ये अभी क्या टाइम हो गया, अभी प्रीकास्ट इंडस्ट्री बूस्ट करेगा बहुत तेजी से, ठीक है। PEB ऑलरेडी चल रहा है बूम पे, क्योंकि भी अब हाँ, लोग, भी बहुत अच्छा है। इसके ठीक है, अब बारे में आपने स्पेशल लेक्चर्स लिए थे, मतलब वो हाँ भी मतलब वो मुझे पर्टिकुलरली पसंद में आया था सर, PEB जो होता है ना हाँ 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 स्ट्रक्चर। हाँ अपन थोड़ा सा टेक्ला में पढ़े भी थे। हाँ सर, टेक्ला में ही पढ़े थे एक्चुअली, टेक्ला में हाँ ही पढ़े थे PEB हाँ सर। कि PEB करें, क्योंकि PEB जरूरी क्यों है कि क्योंकि अभी देखो मुझे एक स्टेडियम बनाना है, अभी स्टेडियम 1 साल बाद बने, तब तक जो खेलने वाले उनका व्यू सब खराब हो गया, ठीक जी है। सर, बेटर क्या है, फोन किया 2 हफ्ते के अंदर रेडी हो गया, चलो स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं या फिर जो भी आपको खेलना है। तो जी फ्यूचर मुझे लगता है कि BIM तो भाई रहने ही रहने वाला है, क्योंकि अभी हाँ इधर BIM तो एक BIM बिल्डिंग का हो गया, अभी BIM फ्लाईओवर्स में बहुत तेज कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेट्रो स्टेशन में। अभी एक लड़का मुझे कल कॉल किया था, मेट्रो में है, तो मेट्रो में BIM अप्लाई हो रहा है, तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ने वाला है, तो जी वो सर इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा है। बोलो। सर, इंडिया में क्योंकि अभी ग्रो होने वाला है, क्योंकि हाँ इंडिया में जो आपने नागपुर की जो है मेट्रो और हाँ ये मेट्रो, ये सब प्रोजेक्ट में इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स है, और एयरपोर्ट बैंगलोर का एयरपोर्ट, इसमें सब में बीम यूज हुआ है, तो सब में हुआ वो है। अभी जीरो इंडिया आने ही वाला है। जब हाँ इंडिया आएगा, मैं तो बस उसी देर के, मैं हर किसी से वही बात करता हूँ कि अगर मैं वो जिनकी राह देख रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट इंडिया में बीम को कंपलसरी कर दे, अगर बाकी देश में जैसे UK में है कंपलसरी बीम, तो हमारी इंडस्ट्री तो मतलब IT से भी बहुत 10 गुना ज्यादा फास्ट ग्रो करेगी, मतलब क्योंकि भाई, हाँ रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम लोग बोलते हैं ना, अपन क्लास में एक डिस्कस करते हैं ना कि सबसे महंगी चीज दुनिया की क्या होती है जो इंसान खरीदना चाहता है। टाइम है तो तुम लोग कमन करते हो कि क्या बोलते हैं, कई लोग जैसे होते हैं कि थोड़ा सा पैसा कमा लिए तो हम बोलते हैं कि मोबाइल खरीदेंगे, थोड़ा और पैसा कमा लिए तो हम लोगों को लगता है आईफोन खरीदेंगे, थोड़ा और पैसा कमा लिए तो बाइक खरीदेंगे, थोड़ा और पैसा कमा लिए तो सोने की चैन लगाएंगे, और थोड़ा और जब कमा लेता है इंसान, जब अपनी लिमिट पार कर लेता है, तब वो घर खरीदता है। हाँ तो हमारा प्रोफाइल वहां बीट करता है जो सबसे महंगा है। हाँ लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये हीरे का व्यापारी बहुत अमीर आदमी होगा, ये सोने का व्यापारी ये बहुत अमीर होगा, अरे हम लोग तो घर के व्यापारी हैं, ठीक है। तो हम लोग कितने अमीर होंगे फ्यूचर अगर हम लोग देखें तो, है ना। तो फ्यूचर तो डेफिनेटली ब्राइट है, और लोगों को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे कैसे होता है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कॉलेज में अवेयरनेस कम मिल पाती है, हाँ ठीक है। तुम्हारे कॉलेज में कभी बताया गया था कि तुम आगे फ्यूचर में तुम BI में भी करियर बनाओगे, ऐसा कुछ बताया गया था? नहीं सर, कॉलेज लाइफ में वो कुछ ज्यादा पता नहीं, तो ऑटोकैड तक ही सीमित है, मतलब हाँ ज्यादा तो पता नहीं रहता कि उसके बाद अपन एक्सप्लोर करना चालू करते हैं 3D सॉफ्टवेयर वगैरह। तो तो ये एक कॉलेज डिसएडवांटेज है। में तो पुराना सिलेबस, मतलब जो रहता है कॉलेज में, जो हाँ बेसिक रहता है, वो स्ट्रॉन्ग करने का ही फोकस होता है, वो अभी करना चाहिए, लेकिन वहां पे हाँ भी होना चाहिए एक जो लेटेस्ट में ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, या फिर कुछ तो भी 3D के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि अभी कब तक 2D पे काम करते रहेंगे हम। अच्छा, तुम कुछ और सोच के आए थे क्या, कि तुम ये भी शेयर करना चाहते हो, ऐसा कुछ सोच के आए थे क्या? जो हाँ बताया मैंने, जो अच्छा वो जी ठीक है, हाँ बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर इस कन्वर्सेशन को समाप्त करते हैं, और अपन तो टच में ही रहेंगे, और कोशिश ये करो कि जहाँ पर हो ना वहाँ पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो, ठीक है। क्योंकि वो जी लॉस में नहीं जाता कभी, बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब है मोर लर्निंग, हाँ और वो लर्निंग डेफिनेटली तुम्हें फ्यूचर में काम देगा। विश यू ऑल द बेस्ट पुष्पक, एंड थैंक यू सो मच, तुमको एक मैसेज किया, तुम ठीक तुरंत है, रेडी हो गए, मुझे अच्छा लगा कि चलो क्या बोलते हैं, पुष्पक ने क्विक रिप्लाई, तुमने क्विक, मैंने सुबह ही मैसेज किया, ठीक है, कल मैं बाहर था, आज मैं आया, तो मैंने सोचा यार चलो संडे का मैंने प्रॉमिस किया था लोगों को, मैंने कहा प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, तो फिर जल्दी से रिकॉर्ड करना था, मैंने कहा पुष्पक को बोलता हूँ। तो देखो याद किसके आया, जो मुझे पता है कि अलर्ट रहेंगे, ठीक है। तो उस दिन लोगों का नाम भी याद आता है ना, कि कन्वर्सेशन में उन्हीं से बहुत ईजिली हो जाता है, प्लस तुमसे कन्वर्सेशन करना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि कितना बात हम बता चुके हैं, कितना बात तुम हमको बता चुके हो, सीख चुके हैं एक दूसरे के बारे में ना। चलो थैंक यू सो मच पुष्पक, एंड लोग अगर रिक्वायरमेंट करेंगे, लोग अगर बोलेंगे कि सर थोड़ा और डेप्थ में जाइए क्या बोलते हैं बीम के बारे में, तो पुष्पक को थोड़ा एक्सपीरियंस और होने वाला है अपकमिंग मंथ्स में, तो आप चाहेंगे कि और एक्सपीरियंस शेयर करें, तो मैं और एक पॉडकास्ट पुष्पक के साथ करूंगा, जिसमें 5-6 महीने का इनको एक्सपीरियंस भी हो जाए, और डेप्थ लेवल पर डिस्कस करेंगे, जी चलेगा जी, ठीक रेडी है। बिल्कुल हम आप बताएंगे चलो थे। ओके, चलो पुष्पक, थैंक यू।